ये क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए बी सी आर ऑल नॉन ज़ीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, प्रूव दैट ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू थ्री। तो ये प्रूव करना है। सबसे पहले जिसका वैल्यूज़ आपको लाना है उसको हम लोग लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग लेंगे ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, ये हमारा एल एच एस है। अब आप ध्यान से देखें तो ये किसी आइडेंटिटीज़ में नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसको क्यूब में लाते हैं तो हमको आइडेंटिटीज़ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को ए बाई ए, सेकेंड टर्म को बी बाई बी और थर्ड टर्म को सी बाई सी से इंटू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, ये हो गया ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए, इसको इंटू किया बी बाई बी से, और तीसरा है आपका सी स्क्वायर बाई ए बी, इसको सी बाई सी से इंटू करते हैं। तो ये आ गया आपका ए क्यूब बाई ए बी सी, ए बी सी प्लस बी क्यूब बाई ए बी सी प्लस ये हो जाएगा सी क्यूब बाई ए बी सी। यहाँ पर हम लोग अब ए बी सी एलसीएम ले लेते हैं, ए बी सी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप देखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी होता है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ कंडीशंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू थ्री ए बी सी हो जाएगा। तो सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी बाई ए बी सी, यहाँ लिखेंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये गिवन है हमारा, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा। ए बी सी ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू थ्री, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपका, प्रूव हो गया ये आइडेंटिटी, जो प्रूविंग था वो प्रूव हो गया। इसको दूसरे तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेकर के डायरेक्ट कर सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं, जो कन्वीनियंट लगे आप यूज़ करें।